हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ट्रायंगल, सिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड ट्रायंगल सिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ना डिस्कस करके अपने टू द पॉइंट आएंगे। मैटर बहुत है, अगर हम लोग देखें कि पीरियडिक टेबल की नीड में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जरूरत है। अगर हम लोग कोई चीज प्रॉपर वे में, पीरियडिक टेबल मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट, एलिमेंट्स का क्या है प्रॉपर अरेंजमेंट है, और अगर हम लोग किसी चीज को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं तो उसको स्टडी करने में क्या होती है, सुविधा होती है, अच्छा होता है। जैसे आप घरों पर जो चीजें प्रॉपरली व्यवस्थित होती हैं तो वहां पे कोई भी चीज फाइंड करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर वही सारी चीजें क्या है प्रॉपरली अरेंज नहीं है घर पे ही, और कोई एक चीज खोजना है तो वहां पे हमें प्रॉब्लम। तो हमें पीरियडिक टेबल की आवश्यकता क्यों, या क्यों आवश्यकता हो, क्यों आवश्यकता है, क्योंकि पीरियडिक टेबल के हेल्प से हम लोग एलिमेंट्स को, प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। चलो, ये हो गया। अब देखिए, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए या पीरियडिक टेबल या एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना व्यूज रखा है। जैसे कोई टॉपिक होता है, कोई उस पर कोई अपना व्यू रखता है, कोई दूसरा व्यू रखता है कि इसको ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए। लेकिन जो फर्स्ट व्यू रखा गया था एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए, वो फर्स्ट व्यू था डोबे रायंगल। क्या नाम साइंटिस्ट का है? डोबे रायंगल। अरे, क्या नाम होता है इसका? देखो क्या है, डोबे रायंगल। ये डोबे रायंगल नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने फर्स्टली अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने। ठीक है, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने के लिए तो इसमें इन्होंने देखा कि बहुत सारी चीजें इससे आसान हो जाती है। ठीक है, लेकिन इनका क्या कॉन्सेप्ट था? इनका कॉन्सेप्ट था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से। ठीक है, एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने कहा कि अगर डोबे रायंगल एटॉमिक वेट से, और इनके स्पेशल क्या थे, ये इन्होंने क्या किया था, ट्राई एड्स बनाया। ट्राई एड्स मतलब हो गया थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप, थ्री एलिमेंट्स का ग्रुप। ध्यान देना, यहां से चीज आसान हो जाएगी। कितने एलिमेंट्स थे? थ्री एलिमेंट्स, मान लीजिए 1, 2 और 3। अब इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप इसमें जो बस हम आपको एग्जाम्पल देंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। तो इन्होंने क्या कहा कि जो अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट है और ये थर्ड, इन्होंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड का एवरेज निकाला जाए, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के वेट का एवरेज निकाला जाए तो वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, सेकंड एलिमेंट के वेट के इक्वल होता है। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। जैसे ये है, ध्यान देंगे हमने कहा था, देखो इसे ट्राई इट्स में कहा गया कि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना के बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाए, और उन्होंने कहा कि अगर क्या करो, फर्स्ट और लास्ट, इसमें फर्स्ट और लास्ट कर सकते हैं, या फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट का एवरेज किया जाए, क्या हो जाएगा, सेकंड के एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। जैसे हम इसका कितना होता है, 7 होता है, सॉरी इसका आपका क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, इसका कितना होता है, ध्यान देंगे इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 13। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इस दोनों का एवरेज निकालें, दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ लेंगे, 7 + 13 है एवरेज, कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 23। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, 23। इन्होंने ऐसे ही क्लासिफाइड, जैसे इसका इन्होंने लिया, फिर क्या लिया, ध्यान देंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसका क्या होता है, 35.5 होता है, इसका क्या होता है, 127 होता है। अब इन्होंने कहा, जैसे इसमें हमने कहा कि इस दोनों का अगर आप एवरेज,
किसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर और हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहां से डेफिनेशन क्या मिला, देखो, डोवे राइडर टोल्ड दैट द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ इन ट्राइक्स एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। ये चीज उन्होंने कहा, डोवे राइडर का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेबला। न्यूलैंड्स ऑक्टेबला, ये हमारा क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब देखिए ऑक्टेव क्या होता है, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में सिस्टम देखते हैं, फिर चीजें आपको जान सकते हैं। ऑक्टेव्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हर आठवां की सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मतलब ये, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा इसको हम लोग ऑक्टेव्स बहुत ज्यादा मतलब है, मतलब ये रखना है, दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हर आठवां की सेम टाइप की साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि न्यूलैंड्स ने देखा, ठीक है, न्यूलैंड्स ने देखा कि अगर एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आर्डर में रखा जाए, क्या रखा जाए, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आर्डर में रखा जाए, तो हर एक एलिमेंट जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला, मतलब या ऐसे कह सकते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होता है, सेम एलिमेंट्स या सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होता है। ध्यान देंगे, अब मैं यहां इनके डेट लिख दे रहा हूं, एटॉमिक वेट 7 8 9 7 8। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं बेटा, तो उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे, उस समय जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के क्रम में दोषित किया गया। तो ये देखा गया कि हर एक एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला, जैसे हम देखे देखो ये है लिथियम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इसमें नीचे क्या आ रहा, सोडियम आ रहा। ऐसे आने लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग कैसे देख रहे हैं कि हर एफ एलिमेंट क्या है जो आ रहा है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला। पुनः एक बार ध्यान दे दो, क्या है ऑक्टेव्स लॉ या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या हमने कहा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ईच एर्थ एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कह रहा है पहले आप समझिए फिर अपने हिसाब से आप चीजें लिख सकते हैं कि अगर जो उस समय तक नॉन एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, तो हर आठवां एलिमेंट, हर एट एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टीज का होगा। जैसे ऑक्टेव, ऑक्टेव होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हर आठवां की सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला होता है, वैसे इसमें भी सिमिलरिटीज पाई जाती है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, ईच एफ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज, अ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई, तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया। ठीक है, अब हम लोग लोथर मेयर को देखते हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत समय तक बिल्कुल क्लियर नहीं रहे क्योंकि फिर बहुत सारे डिफ्लेक्शन आए जिससे समय समय इसके बाद उसको जो है कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है इसे ध्यान में, इसका हम लोग लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, लोथर मेयर, क्या है लोथर मेयर, क्या रहता है लोथर मेयर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड
When the elements are arranged increasing order of atomic weight when the elements are arranged, increasing order of atomic weight, physical and chemical properties, physical and chemical properties of elements are repeating at regular intervals. मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे कि दो तरह डेटा कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेसिस मान के माना। उन्होंने कहा कि जब एलिमेंट्स क्या किया जाता है, उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो रेगुलर इंटरवल पे सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल पर। इसमें मान लीजिए ड्यूरेशन सेट कर दिया, तो उन्होंने कहा, पुनः एक बार ध्यान दें, हमने क्या कहा कि लोथर्मियर का कॉन्सेप्ट क्या था, लोथर्मियर का कॉन्सेप्ट क्या था, इन्होंने क्या कहा कि लोथर्मियर ने क्या कहा, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, सिमिलर एलिमेंट्स हु आर हैविंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कि एक निश्चित अंतराल के बाद ये सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट रेगुलर इंटरवल पर आते हैं। मतलब व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग एट रेगुलर इंटरवल। अब हम लोग देख रहे हैं मेंडलीव पीरियाडिक टर्म या मेंडलीव पीरियाडिक लव फॉर मेंडलीव पीरियाडिक लव, क्या देखते हैं हम लोग इसमें? ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आता हूँ। इसमें इनके क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो क्लासिफाइड के थे, रिमार्केबल था, मतलब काफी पॉपुलर हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं कि किसके लिए से है, एटॉमिक वेट। इस पे बेटा ध्यान नहीं है, एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट, इस पे डिपेंडेंट है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या था, द फिजिकल एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, देखो ध्यान देंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब इसमें क्या कहता है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एट रेगुलर इंटरवल सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर बीइंग रिपीटेड। मतलब क्या हो गया कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में दोषित किया जाए, तो निश्चित अंतराल के बाद से इंटरवल करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक
एक निश्चित अंतराल के बाद, पीरियड मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद, अब अंतराल कुछ भी हो सकता है, एक निश्चित अंतराल के बाद जो चीजें घटित होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एट रेगुलर इंटरवल सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर बीइंग सीन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो बस आज इसमें इतना ही, और इस प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दें। थैंक यू सर।